लंदन में बेखौफ घूम रहे भगोड़े नीरव मोदी का नया वीडियो सामने आया। पीएनबी घोटाले से जुड़े सवालों पर कहा सॉरी नो कमेंट्स। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा मोदी है तो मुमकिन है। विदेश मंत्रालय बोला नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पहले ही ब्रिटेन को आवेदन भेजा जा चुका है। पाकिस्तान के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान के पास भारत के दूसरे फाइटर प्लेन को गिराने का वीडियो है तो वो इसे दिखाता क्यों नहीं। साथ ही कहा नए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ नया एक्शन लेते दिखना चाहिए। गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी में जाने की अटकलों का खंडन किया। कहा अपने लोगों के लिए कांग्रेस में रहकर ही लड़ूंगा लड़ाई। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के उद्घाटन में जुटे। आज नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ब्लू लाइन मेट्रो की एक्सटेंशन लाइन समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। रफाल से जुड़े गायब दस्तावेजों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा इसकी जांच मनोहर पर्रिकर से शुरू होनी चाहिए। रफाल डील को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा रफाल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए, याचिकाकर्ताओं ने फोटोकॉपी इस्तेमाल की। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों वाली मध्यस्थता कमेटी बनाई। 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा। और दिल्ली की उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के पास से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। पूछताछ के बाद विधायक हिरासत में।